ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कप बन के आपका रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आपको सामने, यहाँ पे देख सकते हैं बना के तैयार किया गया है। हाँ जी, इस तरीके से देख सकते हैं आपका बन के तैयार। अब आगे का क्या प्रोसेस होता है, इसको मतलब पैकिंग करके अब सेल करना होता है? हाँ, इसको जैसे अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे ना इसको अमेज़न पर जाकर, ₹10 का एक कप सेल हो रहा है सर। एक कप दस रुपए का। अच्छा, वो भी उसमें ऐसे ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है ना? बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका ये बहुत सारे लोग तो हैं, मतलब सबसे बड़ी, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहले ये होता है कि भाई कमा कितना सकते हैं। जी, तो ये जो कप है ये मतलब एक कप कितने पैसे में तैयार हो जाता है इसको बता। तो यहाँ पे लिखित आप लोगों को मिलने वाला है कि जो भी आप लोग मतलब प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें आप लोगों को बाय बैक यहाँ पे किया जाएगा। ये भी कंपनी सुविधा दे रही है, मान लीजिए शुरू में आप लोगों को मार्केटिंग नहीं करना आ रहा है, चाहे बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग मशीन लेके जाइए, प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बना करके कंपनी को दे दीजिए। अब पर गिलास पे आप लोगों को ₹1 का मार्जिन के हिसाब से आप लोगों को जितना भी माल बनाए रहेंगे वो आप लोगों को पैसा मिल जाने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम। सबसे पहले नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी बता दे। चलिए बिल्कुल बता देती हूँ सर। नमस्कार, मेरा नाम ममता है और हमारी कंपनी का नाम ग्लोबल इंडस्ट्रीज है। हाँ। और हमारी कंपनी नोएडा सेक्टर 10 में है। अच्छा अच्छा, हम मैम आज किस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस मशीन के बारे में, एडिबल कप मशीन। आपने देखा ही होगा, अगर क्या बोलते हैं, आपने अब तक जो चाय पी है पेपर कप में और कुल्लड़ कप में पी है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रही हूँ एडिबल कप के बारे में, जो आप चाय पीने के बाद इसको खा सकते हैं। अच्छा, खा भी सकते? बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा जी, तो ये मशीन के बारे में थोड़ा सा बताते चलिए कि ये कैसे वर्क होता है और कैसे क्या क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है इसको थोड़ा। मैं बिल्कुल आपको आगे बताऊंगी कि मशीन कैसे प्रोसेस करती है। हाँ। इसमें कप कैसे बना सकते हैं आप, ये कितने टेम्परेचर पे चलती है, मैं आपको ये लाइव डेमो करके दिखाऊंगी इसका सारा। अच्छा अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मशीन, पहले प्रोसेस थोड़ा सा बताते चलेंगे जी सर। मैं आपको भी बताती हूँ, लाइव डेमो आपको दिखा देते हैं हम। आगे आप वीडियो देखिए। ये देख सकते हैं मशीन हीट हो गया, पहले हीट करना पड़ता है। हाँ, पहले इसको हीट करना है। अच्छा। इसका हीट टेम्परेचर है। अच्छा, ठीक है। आप जब अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, अभी मशीन ये डाई ऑयलिंग की जाएगी। अच्छा, ये ऑयल किया जाएगा। हाँ, ये ऑयल किया जाएगा। उसके बाद आपका मटेरियल डाला जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ। अच्छा, इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, इस तरीके से आपकी डाई ओपन हो जाएगी, किया जाएगा ताकि जो इसमें मटेरियल पड़े वो चिपके ना। चिपके ना, हाँ जी सर। ऑयलिंग करने के बाद आसानी से छोड़ देता है। इस तरीके से देख सकते हैं आपका ऑयलिंग हो रहा है। अगर आप इसको अच्छे से ऑयलिंग नहीं करोगे तो क्या है, कप आपके चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे। हाँ, फिनिश आपको ढंग से नहीं निकल पाएगा। अच्छा, तो वो तो ट्रेन मिलेगा ही ना सारा। हाँ जी। अच्छा, तो इस तरीके से ये पूरा मतलब सब में लगा दिया जाएगा, इसे ऑयल लगा दिया जाएगा, उसके बाद मटेरियल डाला जाएगा। जी, तो मटेरियल कौन कौन सा होने वाला है इसमें सर? आप यूज कर सकते हैं मैदा। हाँ। मैदा, चीनी, चावल का आटा। अच्छा, ये फ्लेवर भी इसमें बनता है ना? बिल्कुल। अच्छा। फ्लेवर्स आप कोई भी ऐड कर सकते हो, चॉकलेट, इलायची, वनीला। अच्छा। बटर स्कॉच, जिस फ्लेवर की डिमांड आ रही है आप उस प्रकार से। मटेरियल जो होगा यहीं पे मिलेगा? यहाँ पर भी मिल जाएगा, बाकी किराना स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसमें मटेरियल डाला जा रहा है, तो इस तरीके से मटेरियल पड़ गया है, अब इसे इस तरीके से प्रेस किया जाएगा। हाँ जी, ये प्रेस करके इस तरीके से ये प्रेस करके छोड़ दिया जाता है। हाँ जी, छोड़ दिया जाएगा 2 मिनट के लिए। आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अच्छा। आपने देखा था 2 टेम्परेचर मीटर पहले चल रहे थे, अभी। हाँ। ये टाइमिंग का टेम्परेचर है। अच्छा अच्छा, जैसे ही आपकी होगा उसके बाद ये जो रेड लाइट है ये ब्लिंक करने लगेगी सर। अच्छा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो ब्लिंक होने लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट जैसे ही कम्प्लीट होगा तो आपका समझ लीजिए कि माल बनके तैयार हो गया। हाँ जी। अभी से आप ऊपर उठा के निकाल सकते हैं। जी, अभी देख सकते 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। ये बहुत सारे लोग तो हैं, मतलब सबसे बड़ी, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहले ये होता है कि भाई कमा कितना सकते हैं। जी, तो ये जो कप है ये मतलब एक कप कितने पैसे में तैयार हो जाता है उसको बता। बिल्कुल बता देती हूँ सर। अगर आप 60 ml का कप बना रहे हैं इस मशीन से। हाँ। मशीन में मॉडल्स आते हैं बहुत सारे, जैसे आपका 12 हो गया, 24 आ गया, 32 हो गया, मतलब जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं अलग अलग मॉडल आते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। मैं अगर प्रॉफिट की बात करूं और इसकी लागत की बात करूं, लागत इसकी आती है अगर आप 60 ml का कप बना रहे हैं तो इसकी 60 से 70 पैसे की कॉस्टिंग आपको पड़ती है सर। अच्छा, हाँ जी, 60 से 70 पैसे कॉस्टिंग आती है, कॉस्टिंग बढ़ती है। अच्छा, और ये बिकता कितने में? इसको आप सेल कर सकते हैं, अगर आप खुद मशीन लगाकर बना रहे हैं तो आप
इसमें रख सकते हैं मार्जिन, जैसे 60 से 70 पैसे का आपको बनकर पड़ा ही है। अच्छा, आप इसको 1 रुपए मार्जिन रखकर अपना सेल कर सकते हैं, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, इतना मार्जिन रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं सर। अच्छा। आप अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे ना इसको अमेजोन पर जाकर, 10 रुपए का 1 कप सेल हो रहा है सर, 1 कप, 1 कप 10 रुपए का। अच्छा, वो भी उसमें ऐसे ऑनलाइन भी सेल किया जा सकता है ना? बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बनने के बाद इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है? इसकी 6 मंथ की रहती है सर, इसकी एक्सपायरी जो है 6 मंथ की रहेगी। अच्छा, और इसमें अगर आप चाय रख रहे हैं गरम चाय, तो उसकी जो होल्ड कैपेसिटी रहती है वो 25 से 30 मिनट की रहती है सर, मतलब आधे घंटे मान के, आधे घंटे, हाँ। अच्छा। आधे घंटे से ज्यादा चलता है, लेकिन क्या है 5 से 7 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है अपना चाय पीने का, पी लेता है। हाँ। अच्छा, तो मैम इसे बनाने के लिए कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा क्या? और यहाँ पे देख सकते हैं बीप होने लगा है, मतलब आपका ये बन के तैयार हो गया है। अभी आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, ठीक है, अब ये पक के रेडी हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से कैसे प्रोडक्ट निकल कर बाहर आता है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कप बन के आपका रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आपको सामने यहाँ पे देख सकते हैं बना के तैयार किया गया है। हाँ जी, ये जो होता है साइड साइड में ये तो अपना निकाल करके मतलब बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, देखो एकदम क्लीन हो गया है। यहाँ पे इस तरीके से फिनिशिंग आपका देख सकते हैं, ये आपका बन के तैयार हो गया है इस तरीके से। दो अभी देख सकते हैं आप लोग, दो कप आपका बनके इस तरीके से तैयार हो गया है। जैसे आपका कप बन गया, अब ये डाई खोलकर आपका बाहर इधर से आ जाता है बाहर। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपको मतलब ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि दो कप थे ना इसलिए ऊपर से निकाला हमने। अच्छा, मतलब नीचे मतलब पूरा, हाँ, यहाँ से पूरा बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इस तरीके से देख सकते हैं आपका बनके तैयार। अब आगे का क्या प्रोसेस होता है इसको मतलब पैकिंग करके अब सेल करना होता है? हाँ, इसको जैसे अभी आपने देखा कितना हीट हो रही है, ठीक है, इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट करने दो, मतलब ठंडा होने के लिए। उसके बाद इसको पैकिंग करो और मार्केट में सेल कर दो आप। अच्छा अच्छा जी, तो इस तरीके से आप लोग ये कप बना सकते हैं और बना करके आप लोग भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब मार्जिन की बात कर, जैसा मैम ने बताया कि आप लोग 1 रुपए मिनिमम पहले आप कम मार्जिन रखिए, जैसे जैसे कस्टमर बन जाते हैं वैसे आप लोग अपना बढ़ा सकते हैं जो भी मार्जिन है। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है मैम कि मार्केटिंग वगैरह में कुछ आप लोग हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, हमारी कंपनी आपको बायबैक ऑफर करती है। जैसे बायबैक ऑफर, बिल्कुल, मतलब कि खरीद आप लोग जो माल रहेगा खरीद लेंगे? बिल्कुल खरीद लेंगे। अच्छा, तो वो कितने मार्जिन कितना देंगे आप लोग अगर खरीदेंगे तो? जैसे मैंने आपको बताया कि 60 से 70 पैसे की कॉस्टिंग आपको पड़ती है, ठीक है, इसमें कंपनी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन देती है सर। 1 रुपए कंपनी भी देती है? इसमें नेट प्रॉफिट आपका 1 रुपए का होता है। अच्छा जी, तो मतलब सच में मतलब लेंगे लोग, मतलब बहुत सारे बिल्कुल लोग कहते हैं, लेकिन वो होता है कि माल बेचने के लिए लोग बोल देते हैं उसके बाद लेते नहीं। बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ मैं। हाँ। लोग कहते हैं लेकिन क्या है, हम आपको प्रॉपर हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, लिखित मिलेगा, लिखित में होता है सारी चीज़। अच्छा, तो यहाँ पे लिखित आप लोगों को मिलने वाला है कि जो भी आप लोग मतलब प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें आप लोगों को बाय बैक यहाँ पे किया जाएगा। ये भी कंपनी सुविधा दे रही है, मान लीजिए शुरू में आप लोगों को मार्केटिंग नहीं करना आ रहा है, चाहे बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग मशीन लेके जाइए, प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बना करके कंपनी को दे दीजिए। अब पर गिलास पे आप लोगों को 1 रुपए का मार्जिन के हिसाब से आप लोगों को जितना भी माल बनाए रहेंगे वो आप लोगों को पैसा मिल जाने वाला है। तो ये आप लोगों को सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पे मिल रही है। मैं प्राइस की बात करेंगे तो क्या प्राइस वगैरह पड़ेगा? मैं बता देती हूँ सर, स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। आगे की जो भी इसका प्राइस है या अदर मशीन्स आपको लेनी है, आपको पूरी जानकारी उन नंबर्स पे मिल जाएगी सर। अच्छा, हाँ जी, तो आप लोग जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल कर लीजिए, कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोग अभी वीडियो बन रहा था 2 महीना 4 महीना साल भर 2 साल बाद कॉल आता है जी, तो रेट वगैरह जो क्या फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप लोग जैसे कॉल करेंगे तो उस समय ऑफर क्या चल रहा है, रेट क्या चल रहा है, गारंटी क्या चल रहा है, वो सारी चीजें क्लियर कर दिया जाएगा। हाँ जी। अब ये इस मशीन को अगर कोई बिठाना चाहता है तो एरिया कितना लगने वाला है इस मशीन इसके लिए? सर मैं स्पेस की अगर बात करूं, इसके लिए 10x10 का स्पेस चाहिए आपको। अच्छा, जिसमें अच्छा। आपकी मशीन एक कमरे में मतलब स्टार्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा। आपकी 10x10 के अंदर मशीन और आपका मिक्सर मशीन इजीली आ जाता है। अच्छा। और आपका बना हुआ माल भी आप उस स्पेस के अंदर रख सकते हो सारा। अच्छा, वहीं पे मतलब 10x10 के कमरे में सारा? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा जी मैम, तो इस मशीन की गारंटी वारंटी बताते चलिए थोड़ा। सर मैं आपको गारंटी वारंटी बता देती हूँ। जैसे मशीन आप ले रहे हैं, कोई भी मशीन ले रहे हैं, तो
डिपेंड करता है आप ऑफर में ले रहे हैं मशीन या बिना ऑफर के ले रहे हैं। अच्छा, तो किसी के साथ एक साल की गारंटी होती है, किसी के साथ दो साल की होती है, तीन साल की भी होती है। अच्छा, मतलब डिपेंड करता है आप ऑफर में मशीन कब ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब जब आप कॉल करेंगे तो समझा दिया जाएगा क्या ऑफर चल रहा है, गारंटी वारंटी क्या मिलेगी। हाँ जी हाँ जी, बाकी उस समय आप लोगों को सारी चीजें समझा दिया जाएगा। और मैम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे क्या होते हैं, मशीन तो बेच देते हैं हाँ जी, लेकिन सर्विस समस्या वगैरह आता है तो फिर कॉल नहीं उठता है कि हमारे यहाँ कुछ समस्या आ गई है, तो सर्विस कैसे देते हैं आप लोग। मैं आपको बता देती हूँ, जब आप मशीन परचेसिंग करते हैं हाँ, उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि हमारा सर्विस डिपार्टमेंट का नंबर। अच्छा, होता अच्छा, है वो प्रॉपर सर्विस सेक्टर बिल्कुल है। हाँ, जैसे आपने जो भी आपको नंबर दिया गया है आप उस पे डायल करिए हाँ, आपको प्रॉपर बता देगा कि आपको सर्विस कैसे प्रोवाइड होगी। अच्छा, अब होता है कि टेलीकॉलर्स अगर सेल करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है और सर्विस डिपार्टमेंट अलग होता है। अच्छा, तो सर्विस आपको जैसे मिलनी है आप उस पे कॉल करेंगे, आपको बता दिया जाएगा टेक्नीशियन इस टाइम आएगा या जब भी आएगा, लेकिन आपको कॉल करके पता करना पड़ेगा टाइमिंग का। अच्छा, हाँ जी, मतलब कब आ सकते हैं, कब आ सकता है। हाँ, तो बात करेंगे इस मशीन के बारे में, अगर कोई मान लीजिए मशीन लेके जाना चाहता हो आपके यहाँ से, तो आपका प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे पड़ने वाला है। मैं प्रॉपर एड्रेस बता देती हूँ आपको, हमारे जो कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रीज में बताई चुकी हूँ आपको, बाकी जब आप आते हैं नोएडा सेक्टर 10C377 पे हमारा ऑफिस है। अच्छा, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियर बाय सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, गेट नंबर 3 से आप एग्जिट कर सकते हैं, वहां से आपको ई रिक्शा मिल जाता है इजिली सेक्टर 10 के लिए। अच्छा, हाँ जी सर, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कुछ भी जानकारी लेना है तो आप लोग नंबर पे जो है उस पर कॉल कर लीजिए, जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।